हेलो बच्चों, आज मैं आपको फ्लावर पॉट की इजी ड्राइंग बनाकर दिखाऊंगी, जिसे आप भी बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आप चाहें तो अपने साथ ये सारा सामान लेकर बैठें और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई भी आप पेपर, ये शीट ले लीजिए वाइट कलर की, स्केल, शार्पनर, इरेजर, कोई बैंगल, कंगन या कोई भी कटोरी जिससे आप एक सर्कल बना सकें। आप चाहें तो प्रकार से भी सर्कल बना सकते हैं। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी फ्लावर पॉट। सबसे पहले इसके लिए हम इस रिंग से एक सर्कल बनाएंगे। ये हमारा सर्कल है। अब हम इसके दोनों तरफ दो सीधी लाइन खींचेंगे इस सर्कल से मिला के। अब हम देखेंगे कि हमें कितना बड़ा सर्कल बनाना है, सॉरी कितना बड़ा हमें फ्लावर पॉट बनाना है। हम इतना बड़ा फ्लावर पॉट बनाएंगे, ठीक है। अब हम ये एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देंगे। अब हमें फ्लावर पॉट के ऊपर का सिरा, जो गर्दन टाइप होता है, वो बनाना है। हम ये वाली जो लाइन खींचेंगे और इसके बराबर वाली जो लाइन खींचेंगे, वो एक जैसी कर्व होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, यानी कि दोनों ही लाइन एक जैसी होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर का भाग बनाएंगे जिसमें हम फ्लावर लगाते हैं। ये लगभग सीधा ही रहेगा और ये इतना ही दिखाई देता है। जब आप इसको सामने रख के देखते हैं तो इसका ये जो मुंह वाला भाग है जिसमें हम फ्लावर पॉट लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, वो इतना ही होता है। अभी आपको मटके जैसा दिख रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, हम इसको एक अच्छी सी शेप देंगे। आप चाहें तो किसी और शेप में भी बना सकते हैं। इसको हम स्केल की सहायता से बनाएंगे। ध्यान रहे, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करेंगे। ये जो राउंड है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, हम इनको भी इरेज करेंगे। देखिए, ये अंदर वाली लाइंस हमने इरेज कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये भी हम इरेज ही करेंगे। अब आप देख सकते हैं, सारी एक्स्ट्रा लाइंस को हमने इरेज। अब हम फ्लावर पॉट में फ्लावर लगाएंगे, तो इसकी हमने टहनियाँ निकाल ली हैं। अब आप सुंदर से फ्लावर्स बना सकते हैं। बहुत ही आराम से आपको फ्लावर की एक एक पत्ती बनानी है, एक जैसी पत्तियाँ लगभग आप बनाएं। ऐसे ही हम सारे टहनियों में फ्लावर्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं, हमने ये सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हम इनकी फिनिशिंग करेंगे और इनकी फाइन लाइंस बनाएंगे। इस तरीके से सारे फ्लावर्स की लाइंस बना लेंगे। अब हम इनमें
टहनियों में पत्ते बनाएंगे। पत्ते बनाना भी बहुत ही इजी है। आप सभी देख सकते हैं, सभी टहनियों में मैंने पत्तियां लगा दी हैं और फ्लावर्स भी हम लगा चुके हैं। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। ठीक है, शेडिंग करने में कोई भी मुश्किल नहीं है। आप पेंसिल की नोक को थोड़ा मोटा रखिए। आप चाहें तो यही शेडिंग आप कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं और ड्रॉ करने के बाद इसमें आप कलर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं पेंसिल से कर रही हूँ, आप इस तरीके से पेंसिल कलर से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आप देख सकते हैं कि सभी फ्लावर्स में शेडिंग कर दी गई है। अब आप धीरे धीरे इसकी पत्तियों में भी शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग करना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं, सभी पत्तियों में भी शेडिंग हो चुकी है। अब हम इनकी टहनियों में डार्कनेस लेकर आएंगे। ठीक है, डार्कनेस का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से डार्कनेस लाई जा रही है। सभी टहनियों को आप इस तरीके से डार्क कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें भी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे अपने फ्लावर पॉट में। फ्लावर पॉट में डिजाइनिंग आप कैसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप फ्लावर पॉट में डिजाइनिंग कर लेंगे। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग बहुत ही हल्की हल्की पेंसिल चलानी है आपको, डार्क पेंसिल नहीं चलानी है, बहुत हल्की पेंसिल का हम यूज करेंगे। और ऐसे करते करते हम इसके लगभग आधे भाग में शेडिंग कर देंगे। शेडिंग बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी है, बहुत आराम से शेडिंग आप करें। आपको शेडिंग बहुत आराम से करनी है। अब हम इसमें दोबारा शेडिंग करेंगे उसी स्पीड से जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। पेंसिल एक ही तरह से आपको चलानी है, यहाँ से लेके और आगे तक भी। तो अब हम इन सभी में दोबारा से शेडिंग करेंगे जहाँ से हमने शुरू की थी। पेंसिल की नोक आपको शार्प नहीं रखनी है, पेंसिल की नोक आपकी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। दोबारा ही शेडिंग करेंगे। ठीक है, शेडिंग कभी भी एक बार में नहीं होती है, दो तीन चार बार में होती है कम से कम। फिर और डार्क करेंगे उसको। मैं अब तीसरी बार शेडिंग कर रही हूँ। आपको शेडिंग आराम से करनी है, मैं जल्दी कर सकती हूँ तो इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। अब हम इसकी, जो हमारा फ्लावर पॉट है किसी चीज़ पे रखा हुआ है, तो हम इसकी एक बेस लाइन बना देंगे। ठीक है, ये मैंने इसकी बेस लाइन बना दी है। ठीक है कि ये कहीं पर रखा हुआ है।
यहाँ पर भी मैं अब तीसरी बार शेडिंग कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए ये, और ये हमारा एरिया लाइट रहेगा, डार्क लाइट। शेडिंग में हमेशा डार्क और लाइट का ही ध्यान रखा जाता है, कहीं डार्क कहीं लाइट, ठीक है। अब डिज़ाइन को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पूरी इस ड्राइंग को एक फाइनल टच देंगे, उसके लिए हमारी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पेंसिल शार्प कर ली है। अब सभी फ्लावर्स में हम एक फाइनल लाइन खींचेंगे। और उनकी शेप को भी ठीक करते चलेंगे। अब आपको लाइन जो है वो डार्क ही खींचनी है, इस तरीके से। इस तरीके से हम सारे फ्लावर्स पे लाइन खींच लेंगे और पत्तियों पर भी हमें डार्क करना है। ये देखिए, इस तरीके से सारे फ्लावर्स और पत्तियों को हमें एक बार फिर से डार्क कर लेना है। आप देख सकते हैं, अब मैंने इन सभी लाइंस को, जितनी भी मेरी लाइंस थी, शेडिंग थी, मैंने सबको एक बार दोबारा से पेंसिल से दोबारा डार्क किया है। ठीक है, पेंसिल आपको हमेशा ऐसे ही चलानी जैसे आप स्टार्टिंग से चला रहे थे, शुरुआत से। अब हम मैं अपने इस फ्लावर पॉट को भी एक लाइन दूंगी ताकि इसकी शेप और निखर कर आए। ठीक है, अभी हमारा फ्लावर पॉट लगभग तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें पेंसिल शेडिंग की जगह कलर भी कर सकते हैं। कलर करने का भी यही तरीका है, पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स, स्केच कलर्स, आप इसी तरीके से अपने फ्लावर पॉट में कर सकते हैं। तो ये है बच्चों के लिए एक इजी फ्लावर पॉट की ड्राइंग। आप चाहें तो इसमें टहनियाँ अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप कुछ और तरीके के फ्लावर्स बना सकते हैं। मैंने सबसे इजी फ्लावर बनाए थे ताकि बच्चों को ईजी लगे और ईजी वे में वो बना सकें, जो बिल्कुल ही नए बिगनर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आपका ये फ्लावर पॉट तैयार है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको और भी अलग अलग तरीके की ड्राइंग्स ईजी वे में सीखने को मिलती रहेंगी। अपने कमेंट्स भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नमस्कार।